ठीक है ना। और अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं होती है नब्बे प्लस वन बराबर 181। क्या होती है? 181, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको अध्ययन करिए। चलिए अब हमें जानेंगे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है उसके समांतर दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर अक्षांश रेखाएं किसको बोलेंगे? जो समांतर रेखाएं हैं, जो विषुवत रेखा के सापेक्ष जो खींची गई है, इसको हम लोग बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। इनके बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। और इनके बीच की दूरी को हम लोग कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध। इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिबंध। परीक्षा में पूछता है इनके दोनों बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं कटिबंध। इनके बीच की दूरी जो लंबाई होती है, डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर की दूरी के स्थित होती है। कोई दिक्कत? चलिए, जो हमारा भारत है इस कर्क रेखा पे स्थित है। कहाँ पे है? कर्क रेखा पे स्थित है। तो परीक्षा में पूछता है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्या? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे आसान तरीका है ट्रिक ख्याल करने का, मित्र पर ग झा। सबसे आसान तरीका याद करने के लिए, ये आठ राज्यों से होकर गुजरती है। मिस हो गया, देखिए मिजोरम। त्रस हो गया त्रिपुरा। पस हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। रस हो गया राजस्थान। गस हो गया गुजरात। मस हो गया महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़। झा से हो गया झारखंड। इधर लिख देते हैं, झा से हो गया झारखंड। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। ये आठ राज्यों से होकर के कर्क रेखा हमारे भारत के आठ राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको हम लोग याद करेंगे, बहुत सरल ट्रिक है। इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिक। मित्र पर गमछा झा। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पस पश्चिम बंगाल, रस राजस्थान, गु से गुजरात, मस महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। इन आठ राज्यों से होकर के गुजरती है।